नशे पत्ते कोई भी हैं तो वो अलाउड नहीं है, चालान कट जाएगा बस। ऊपर टेप लगा दें, इसका कान उखाड़ दें या पैर उखाड़ दें। और ये क्या दिया आपने, मतलब चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल। जी मार्क, गुड मॉर्निंग। क्या है कि हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह का नाम है एमजी मार्क, मतलब महात्मा गांधी मार्क। और यहाँ पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, रात को भी इतनी भीड़ थी, सुबह उठा हूँ तो भी इतनी भीड़ है, अभी 11 बज गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा पैक है। बस ये हो रहा था कि रात को दुकानें बंद हो रही थी, बट अभी सब ऐसे ओपन हो रहा है, और ओपन हो रहा है तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे को जो डेड कैट हमारा माइक का गुम गया है उसको लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम कोई भी कंप्लेंट नहीं कर रहे, ठीक है। जब ये मैं माइक सेट कर रहा था तब अराउंड 10 लोगों ने आके मेरे से फोटो खिंचा रही है, उनको लग रहा है मैं प्रोफेशनल हूँ। प्रोफेशनल अपना डेड कैट खो देता है, बताओ जी क्या कर सकते हैं। बाकी जगह तो अच्छी लग रही है, वाइब अच्छी है, इसलिए मजे लेंगे यहाँ पर जाके। और जाने से पहले आपसे पूछ लेते हैं जी किद्दा हो जी। सारे वधिया, आप बहुत वधिया। अच्छी बात ये है कि हम दूसरा माइक लेके आए थे DJI का, उसकी वजह से आप ब्लॉग कर रहे हैं। अगर माइक का मिल गया बहुत अच्छी बात है। और अभी का सीन क्या है कि हमारे को लगी है भूख और सर्च दोनों काम करने हैं। हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि पहले भूख मिटाई जाए या पहले कैमरे की दुकान ढूंढी जाए। तो अगर जो चीज़ पहले मिल गई हम वो करेंगे। पर मज़ा तो आ रहा है, दुकानें यहाँ पर ऐसे फुल, मेरे को उम्मीद तो है कि सब कुछ मिल जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ है यहाँ पर। और अगर आप कमरा ढूंढोगे ना यहाँ पर तो आपको MG रोड पे आना है, आपको 1000-1200 रुपये में कमरा मिल जाता है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, हमने रात भर स्ट्रगल किया जिसमें हम डेड कैट भी ढूंढ रहे थे और कमरा भी ढूंढ रहे थे, बस यही है जी सीन। बाकी स्वाद आ रहा है, थोड़ा सा मार्केट देखो। कैमरा शॉप कहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अच्छा जो स्पेशल है खाने का वो कहाँ पर है, अपना ढाबा है, परिवार है। ओके शुक्रिया, यहाँ पर नहीं मिलेगा कैमरे का सामान। यहाँ की एक और इंटरेस्टिंग बात लगी मेरे को कि यहाँ पर पूरी MG मार्ग पर मतलब टेबल ही टेबल लगे हैं कि कहीं पर भी आकर आप बैठ सकते हो, पर यहाँ पर अगर कोई सिगरेट पीने वाला, स्मोकिंग वाला, वो है नशे पत्ते कोई भी हैं तो वो अलाउड नहीं है, चालान कट जाएगा। बस आप आइए आराम से आके बैठिए, चिल कीजिए, फ़ोटो वोटो खींचिए, सब लोग चिल हैं यहाँ पर। मौसम भी अच्छा है, हमारे को तो मौसम अच्छा मिला, पता नहीं बाकियों को क्या हाल होएगा, पर हमारे को अच्छा मिला इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। जैसे टेबल है, धूप सेको आराम से, और लोग तो बहुत हैं, लोग बहुत हैं। शायद मौसम अच्छा मिला इसलिए घूमने में भी मज़ा आ रहा है, ये धूप है। जब रात को पहुँचे थे तब तो आपको पता ही है हमारे वादे इरादे सब हवा में उड़ गए थे, मतलब जितना स्ट्रगल करके हम गैंगटोक पहुँचे ना, जबकि 4-5 घंटे का रास्ता था, उतना ही लेट पहुँचे थे। पर अभी फील गुड, अच्छे से रेस्ट हो गया है, अच्छे से सब कुछ हो गया है, सब कुछ बस थोड़ा सा जुगाड़ लगा लें, फिर उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि गैंगटोक में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सीन यही चल रहा है। ये वाला अभी नया बना जी, आई लव गैंगटोक, मतलब ये बना है 29 नवंबर 2022 को। पर ऐसी जगह यहाँ पर बहुत है जहाँ पर आप फोटो खींच सकते हो और आई लव गैंगटोक चिल्ला चिल्ला कर बोल सकते हो। फील तो आ रहा है जी यहाँ पर घूमने का, मज़ा भी आ रहा है। और यहाँ पर मेरे को किसी ने शॉप बताई है जहाँ पर माइक का जुगाड़ मिल सकता है। ये वाली एक शॉप बताई है जहाँ पर मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो देखते हैं। यहाँ पर नहीं है जी, यहाँ पर ऐसी दो दुकान छोड़ के बोला जी, एज करके कोई दुकान है, ये इस पर बोला जी। बाबा डेड कैट मिलेगा क्या कैमरे का, डेड कैट होता है ना माइक के ऊपर लगता है, नहीं मिलेगा, कहाँ पर मिल सकता है, कोई आइडिया नहीं, यानी गैंगटोक में मिलेगा या नहीं, मिलने का चांसेस है सर, उधर आगे एक शॉप एक बार पूछ। नहीं जी, जो हमारे को उम्मीद थी कि यहाँ पर हम चांस लेंगे वो नहीं मिल रहा, तो अब हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें फंसे रहेंगे तो इससे अच्छा है कि कहीं सिलीगुड़ी या कहीं से और से ट्राई करने को बोलते हैं, पर हमारे को यहाँ पर नहीं मिल रहा, यही सीन है। बाकी कैमरे का सामान मिल सकता है पर इतनी यूजेबल चीज़ नहीं है ना बाकियों के लिए, इसलिए शायद नहीं मिल रहा हमारे को, आई सीन है जी। उन चलो नज़ारे लेने हैं फिर गैंगटोक पे। ये लग रहा है जी ये जुगाड़, अगर इसको पहना दिया जाए तो मेरे को लग रहा काम हो सकता अपना,
ऊपर टेप लगा दें, इसका कान उखाड़ दें या पैर उखाड़ दें। मैं बोलता हूँ जुगाड़ लगाने को रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं जीवन के अगले फलसफे की तरफ, खाना खाते हैं कुछ, क्योंकि भूख तो लग रही है। कुछ यहाँ का फेमस मतलब मोमोज वोमोज खाया जाए, थुपका ऐसी कोई चीज़ मिल जाए तो बढ़िया, कोई यहाँ का हो जिससे लोकल से पूछा जाए। सर जी यहाँ पर मोमोज कहाँ अच्छे मिलेंगे, मोमोज कहाँ अच्छे मिलेंगे? हाँ सीधा जाके टेस्ट ऑफ तिब्बत वहाँ पर अच्छा है। शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। देखा कुछ ना कुछ तो मिलेगा जी, टेस्ट ऑफ तिब्बत वहीं जाते हैं, वहीं पर खाते हैं फिर। टेस्ट ऑफ तिब्बत, चलो जी यहीं लेके चलते हैं आपको। सबसे सही चीज़ तो ये है कि दिख जाता है रेस्टोरेंट पर सीढ़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए ऐसे देखो ना, रुको अभी दिखाता हूँ, ऐसे दुकानों के बीच में से ऐसे छोटा सा दिखेगा आपको सीढ़ियाँ ऊपर जाती हुई, थोड़ा ढूंढ ढांड के पहुँचना पड़ता है। फाइनली जाकर 20 मिनट के बाद हमारे को सीट मिली है, समझ रहे मतलब कितना ही क्राउड होएगा। बाकी हमने यहाँ पर मोमोज नहीं ऑर्डर किया, हमारे को मिला है ये यार कुछ तो था साइफाले, कुछ तो है साइफाले। मेन्यू देखो यार इसका, ऐसे समझ में आएगा आपको। उन्होंने बोला कि ये यहाँ की स्पेशल डिश है, दो पीस में आएगी। मैंने कहा ओके जी, मोमोज तो हमने फिर भी खाए हुए हैं, ये कुछ नया दिख रहा है तो नया ट्राई करना बनता है। गैंगटोक में आए हैं और हम पहले ही सोच के आए हैं कि कुछ नया नया ट्राई करेंगे, अब आएगा तो हमारे को पता लगेगा। नूडल्स भी हैं, यामीन, बहुत कुछ है यार, इंटरेस्टिंग है। और बाकी यहाँ पर आओगे तो आपको व्यू भी अच्छा मिलेगा, मतलब हमने इंतज़ार किया इस सीट के लिए क्योंकि हमारे को व्यू चाहिए था अच्छा। ये देखो ये है यहाँ से हमारा व्यू, और आपको बोला ना टेबल ही टेबल लगे हैं, सब लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर, फुल MG रोड का व्यू है तो इसलिए नज़ारे आने वाले हैं जी। और बाकी हमने पता कर लिया आगे का प्लान क्या है, वो भी आपको लेके चलेंगे। ऊपर से ऐसे रोप वे लेके आती है, फुल ऐसे गैंगटोक का व्यू मिलता है, यहाँ से है कुछ 10-15 मिनट का वॉक है। तो सीन कुछ सेट कर रहे हैं, अब जो भी हो लाइफ को आगे से बढ़ते रहना है, तो हमारा काम वही है आगे बढ़ो और काम चालू रखो। क्या था वो जो आपने ऑर्डर? साइफाले। और ये क्या दिया आपने? रेडिश अचार, स्पाइसी है जी रेडिश अचार, मजे लो साइफाले वही खाएंगे। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। साइफाले तो गुजियाँ लग रही हैं यार, क्या भरा होता है इसके अंदर? मीट का स्टफिंग होगा। मीट का स्टफिंग, ठीक है थैंक यू। यही है जी कुछ कुछ तो इंटरेस्टिंग है, देखो सही अपने गुजियाँ नहीं होती है, तो माल भरा होता है इसके अंदर, मीट का स्टफिंग, सैलड दिए इतना सारा, पेट भर जाएगा हमारा। ऊपर से थोड़ा सा गर्म था, अंदर वाला माल ठंडा है जो मुँह नहीं जलाएगा आपका, स्वाद भी अच्छा है। वक्त लगा हमारे को जगह मिलने में, खाने का ऑर्डर करने में, पर चीज़ बढ़िया ऑर्डर किया तो इन्जॉय करते हैं। बाकी फील इसका गुजियों वाला ही है, देखो ना होली के टाइम पे जो खाते हैं ना वही वाली। बिल आया जी हमारा 252 रुपीज़, मस्त आइटम, सस्ती हम टिकाऊ, पेट भर गया हमारा पूरा, सही है। आप आओ, डेफिनेटली आओ जी इस जगह पर, बहुत कुछ आइटम है। चलो अब निकलते हैं। तो अभी जो जगह पर जा रहे हैं यानी कि रोप वे, उस जगह को यहाँ पर बोलते हैं नाम नाम, अगर आपको ढूंढना हो तो। बाकी ये जो MG मार्केट है वहाँ से है कुछ 5 मिनट का या 10 मिनट का रास्ता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वॉक करके जा रहे हैं और थोड़ा सा ये सड़कों का भी आनंद लेंगे इसीलिए। थोड़ी थोड़ी चढ़ाइयाँ भी चढ़ा देते हैं क्योंकि रोप वे के लिए ऊपर की तरफ तो जाना ही पड़ेगा कम से कम, तभी तो ऊपर से तार जाएगी और हमारे को दिखेगा। हाँ नाइस वीरे नाइस, अच्छा स्वागत हो रहा है हमारा गैंगटोक में, ड्रिल गैंगटोक रोप वे। चलो जी पहले टिकट ले लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं, कितने की टिकट है ये भी नहीं पता। ये है जी टिकट का प्राइस, हैंडीकैप फ्री अप टू 3 ईयर्स फ्री, 3 to 5 ईयर्स 81, अबव 5 ईयर्स 153, यानी कि हमारा 153 और मंथली पास। अगर यहाँ पर आके बस गए और रोज़ करना चाहते हो तो 1000 रुपये दे देना। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेंगे जी, ऊपर से आनंद लेंगे आप, मस्त गाड़ी में चढ़ा देंगे जी हमारे को, कुर्सियाँ वर्सियाँ नहीं लगी हुई हमारे को, खड़े रहो देखो नज़ारे लो वापस आओ, यही सीन है। चलो नज़ारे लेते हैं जी। हमारे भाई लोगों के साथ डिस्कशन हो गया हमारा कि सेंटर में हमारे को जगह मिली है, देखो एक खिड़की भी खुली हुई है, यही सीन पूरा व्यू देखने वाले हैं अगर मौसम अच्छा है। क्या लगता है मौसम अच्छा है? मौसम ठीक है, मौसम ठीक हमारे अनुरूप है। दिखाएंगे अभी गैंगटोक, ड्रोन नहीं उड़ा रहे तो देखने जा रहे हैं। चलो जी चल गई चल गई चल गई, शुरुआत अच्छी हुई है, बादल बढ़ गए हैं तो
मज़ेदार है जी, मतलब लेके गए हमारे को, अब लेके वापस जा रहे हैं और ऊपर से हमारे को कलर्स दिख रहे हैं, मतलब जो दिखने चाहिए ना गैंगटॉक के नीचे नीचे से, तो हमारे को सड़कें ऐसे लग रही थी कि दो ही सड़क का गैंगटॉक है, बट यहाँ पर तो चक रखे फट्टे, काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, काफ़ी खर्चा कर लिया जी गैंगटॉक वालों ने, देख लो चाहे यकीन नहीं होता इस साइड से भी, ये देखो क्या खर्चा किया, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार। अरे भाई साहब को स्पेस मिल गया फोटो खींचने का, ये लगे हुए हैं, नाप दो सर, सारी खींच दो आज। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ जज्बात दबा के नहीं रखने हैं। हाँ बिल्कुल, आई थिंक आप भी ब्लॉग करते हो ना, आई थिंक यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब, आप भी बहुत डेडिकेटेड लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। मेहनत का फल मिलना चाहिए सबको, बिल्कुल यही सीन है, हम भी लगे हुए जी पहाड़ों पे, वैसे देख रहे हैं यहाँ से ऊंचाइयों से, एक दिन वो पहाड़ पे चढ़ेंगे, मौसम सही कर दो फटाफट गोचेला कर लें यार हम। देखो जी दिल की बात बताऊँ ना, अगर आपको ये करने आना है ना तो सुबह सुबह आइए, क्योंकि मेरे को लग रहा है जब मौसम खुला होएगा तब आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो जैसे अभी हमारे को थोड़ा थोड़ा फोगी मिला है तो वो सीन हो सकता है, पर ये गड़बड़ से बचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी सुबह, वैसे हमारा स्ट्रगल चल रहा था सुबह, बट सही है जी जो भी है, नज़ारे आए कि नहीं आए कमेंट करके दोस्तों, और सब्सक्राइब तो कर ही लो। तो यहाँ से चले हैं जी, अब हम एक मोनेस्ट्री है जहाँ से हमारे को रोपवे लेके गई थी, वहाँ पर अगर हम उतर जाते तो पास में ही था, पर हम रोपवे का पूरा आनंद लेना चाहते थे इसलिए आए, अब जा रहे हैं हम देवराली मोनेस्ट्री, पास में ही है, वॉकिंग ही है, पर थोड़ा सा ऐसे नीचे ऊपर करना है, वो हम करते करते जाएंगे जी, आई होप खुली हो यार तो मज़ा आएगा, पर अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसे, सही बताऊँ पर्सनली गैंगटॉक आके, मतलब फील भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। चलते चलते ना हम ऐसे जंगल में आ गए, देख रहे हो मतलब चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, मोनेस्ट्री बनाई तो सुकून वाली जगह पे जाती है, ये तो मैंने देख लिया, मतलब जहाँ पर वो मेडिटेशन कर सको ऐसी जगह होती है, ना चाहते हो भी पीसी पीस है। मोनेस्ट्री कहाँ पर है? ऊपर है, कितना ऊपर? 5 मिनट। 5 मिनट चल रहे हैं 20 मिनट से हम, मतलब अगर आप टैक्सी वैक्सी कर लोगे तो अच्छा है, ये तो हमारे को चलना है, चलने की आदत डालनी है, इस वजह से हम चले ही जा रहे हैं, यही सीन हो रहा है। और ऊपर चलो, वो देख रहे हो, और ऊपर जंगल के बीच में, और ऊपर चलते चलो मोनेस्ट्री, पीस ब्रो पीस, हमने बोला ना पीस, नो हॉर्न नो म्यूजिक नो स्मोकिंग, सिर्फ चिड़िया तोते की आवाज़, जैसे अभी मैं चुप करूँगा ये सुनना। यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, और फ्लैट पे चलना है तो फ्लैट पे चलो, मोनेस्ट्री तक पहुँच सकते हो, पर सीढ़ियाँ भी ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, देखो छुटकू छुटकू सी सीढ़ियाँ हैं, आराम आराम से चल सकते हो, और ये अगर सामान जा रहा है तो उसके लिए फ्लैट, हाँ रास्ते दोनों के एक हैं, मंजिल भी एक है, बस थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा है ज़िंदगी में, और हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव अलग अलग होते हैं, लड़ना सबको पड़ता है, किसी को फ्लैट पर जाके, किसी को सीढ़ियों पर चढ़ के। वाह क्या लाइन बोल दिया, नीचे उतरती आपको मिलेगा ये, जहाँ पर आपको मोनेस्ट्री की सारा सामान दिख जाएगा। वैसे इसका टाइमिंग है 4:30 बजे बंद हो जाता है। यह है जी तिब्बतियन लाइब्रेरी, नीचे हम म्यूजियम में गए थे, वहाँ पर तो शूट अलाउड नहीं था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब आप आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट उन्होंने बोला कि ऊपर चले जाओ, ऊपर आप शूट कर सकते हो। तो ये देख रहे हो कितनी पुरानी पुरानी बुक्स और कैसे रखी गई हैं। वैसे तो हमारे को बुक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम देखने आए कि कुछ तो दिख रहा है यार ऐसा, कि मतलब इसको कोई पढ़ता भी होएगा, ये सिर्फ संभाल के रखने को है ये नहीं पता मेरे को, पर जिस तरीके से अभी तक संभाल के रखा हुआ है, कपड़े में लपेट के क्यों रखी गई है ये, अगर किसी को पता हो कोई रीज़न है तो डेफिनेटली बताइएगा हमारे को। वहाँ पर भी है जी, बट यहाँ पर सारी बुक्स वैसी रखी हैं यार, ये बड़ी बुक्स को या तो दिमाग विमग ना लग जाए इस वजह से ऐसा होएगा। और यहाँ पर हैं, क्या बात है जी, मतलब है सिर्फ ये 2 मिनट का रास्ता मोनेस्ट्री से आएंगे ये आपको देखने को मिलेगा, आइए ज़रूर, मेरे को लग रहा है कि चाहे हमेशा के लिए रह जाएगा, जैसे मैं जाने लगा था फिर मेरे को लगा कि जा ही रहा हूँ, देख के जाता हूँ क्या है, और कोई भी गलत फैसला नहीं था,
आके चाहे 5 मिनट 10 मिनट के लिए देखिए, इंटरेस्ट है नहीं है फिर भी आइए जरूर, जगह है देखने के लिए। हमारे पता करने में पता लगा कि और भी ऊपर जा सकते हैं जहाँ से आपको व्यू का नज़ारा आएगा। ये तो लेना बनता था जी, इतना नज़ारा तो हमारे को रोपवे में नहीं आया, यहाँ पर हम खड़े होकर नज़ारे ले सकते हैं। क्या बात है जी, नाइस। मौसम इतना खुला हुआ है ना जिसकी वजह से और अच्छा लग रहा है, मतलब वहाँ पर ज़रूर बादल हैं, बारिश हो रही है मेरे को इस तरीके का लग रहा है, बट यहाँ के नज़ारे अलग है जी। यहाँ पर तो थोड़ी देर रुकना भी बनता है, लेकिन प्यारी जगह है, नाइस। यहाँ पर ये वाले नज़ारे तो है ही हैं, पर ये देख रहे हो मौत के सौदागर हम, मतलब इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है, आनंद है जी, रब दी मेहर है साढ़े तक। कोल्ड कॉफ़ी पर पीने को दिया इन्होंने गर्म पानी, क्योंकि जब आप इतना चलकर आते हो ना तो आपको लगी होती है प्यास, और आप ठंडा पानी जैसे बाहर से जो आता है उनको नहीं पता लगता, पर इनको आइडिया है कि मौसम कितना बदल रहा है, तो इसीलिए हमने भी गर्म पानी पिया, पर अंदर का इंसान बोल रहा आज कोल्ड कॉफ़ी पीने का मूड था। सुबह हम बोल रहे थे ना कि टेबल क्यों लगाया हुआ है यहाँ पर, अब हमारे को समझ में आ रहा है टेबल क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आदमी इतना चलता है ऊपर नीचे कि उसके बाद आपको बैठना ही पड़ जाता है, और बाकी जो शादीशुदा होते हैं वो तो बैग उठा उठा के परेशान हो जाते हैं, हम तो फिर भी अपना ही बैग उठाते हैं, जिसके मोस्टली आपको आदमी बैठे हुए मिलेंगे सब जगह, आदमी और बच्चे, यही सीन चल रहा है इधर भी, ऐसा सीन सब जगह यही सीन है, शॉपिंग बैग उठाओ और बैठो। आज हमारे साथ एक हादसा हो गया, मतलब हमको लगा कि हम रूम पर जाएंगे चार्जिंग करेंगे फिर थोड़ा सा चार्ज करके सुस्ताएंगे और वापस आएंगे और डिनर करेंगे और सो जाएंगे, ना मोबाइल चार्ज हुआ ना सुस्ताए ना डिनर किया, सीधा सो गए, यही है। अभी आधी नींद में उठे और देखा कि पहली बार खाली देख रहे हैं हम, पहली बार। जो सुबह से हमारी कंप्लेंट थी कि MG रोड खाली नहीं होता, खाली है ब्रो, हमारा पेट भी खाली है, सड़क भी खाली है, खाली पेट सोएंगे आज, यही है सफ़र बनने में, बहुत घूम लिए थे, बहुत थक गए, तो हम तुझसे ज़्यादा ख्याल रखो, 80 ज़्यादा ख्याल रखेंगे, चलो आज सुबह समझते पेट का अन्न के बारे में। और सीन कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, भागो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाला सीन है, गणपति बप्पा मौर्या तो नेपाल वाले लोगों को अलाउड नहीं है, मैंने कहा भाई